सो ही हेलो नमस्ते सत श्रीकाल राधे राधे राम राम प्रणाम ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। काज आप लोगों ने तो देखे था हमारे डालिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में, हमारे को बहुत ही तेज फीवर होते हैं और उसके वो मामू का लड़का उसके पास बैठा होता है, उसने उसके हाथ थामे हुए तो उसके हाथ पे किस करके रो रहा होता है। बाबरा बस यही बोल रहा होता है कि हमारा प्लीज़ आप एक बार होश में आ जाओ, एक बार बस मेरी बात सुन लो प्लीज़, क्यों ऐसा कर रहे हो खुद के साथ, क्यों मुझे खुद से दूर धकेल रहे हो, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता हमारा, प्लीज़ प्लीज़ एक बार बस ठीक हो जाओ और मेरी बात सुन लो। और आदि ये देख के सब कुछ समझ नहीं पा रहा होता, वो आलिया को देखे जा रहा होता, उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे और आलिया ये समझ रही थी, पर आलिया इस बार कुछ भी कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं थी। उसे बस अमाया की फिक्र हो रही थी, वो सोच रही थी एक बार अमाया ठीक हो जाए फिर आदि को भी सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। वो बस अमाया के पास बैठी होती है और उसके सर पे बार बार पट्टियाँ की जा रही होती है, और जब वो उस बच्चे को रोते हुए देखती है, जो मतलब बच्चा तो कह नहीं रहा होता पर जब उसे रोते हुए देखती है तो उसे बुरा लगता है, इसलिए वो उसे पानी ऑफर करती है और बोलती है कि रिलैक्स अमाया ठीक हो जाएगी। जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, हाई फीवर हो जाता है, पर वो ठीक हो जाती है थोड़ी देर में, तो तुम चिल करो, इतना परेशान और इतना रोने की जरूरत नहीं है, पानी पी लो। आलिया उसे समझाती है पर खुद ही वो जब अमाया को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़का खुद उठता है और आलिया को बिठाता है और कहता है कि पानी की मुझे नहीं आपको ज़रूरत है, आप मुझे समझा रही हैं पर आपकी आंखों में आंसू मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। आलिया दूसरी तरफ मुंह फेरती है और आंसू पोंछते हुए कहती है कि नहीं मैं नहीं रोती होती। और ऐसे बोल के आलिया माया के पास बैठ जाती है और उसके सर की पट्टी जो है वो चेंज करने लग जाती है। थोड़ी देर में माया आंखें खोलती है और वो आलिया को देख के उसे बोलती है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आलिया बोलती नहीं कुछ नहीं। आलिया आंसू पोंछती है और माया से उठी रही थी जब तभी वो अपने सामने बैठे हुए अपने मामू के लड़के को देख लेती है। उसे देख के वो कुछ भी नहीं बोलती और वो आलिया की तरफ देखती है। आलिया आंख से इशारा करती है कि प्लीज़ अभी कुछ मत बोलना, तो माया चुप हो जाती है। वो देखती है कि उसके सामने आदि भी खड़ा है और नूर भी वहीं पे है और वो देख के हैरान हो जाती है कि अब यहाँ पे ये लोग सब क्या कर रहे हैं। तो आदि जो होता है वो माया से पूछते हैं कि माया अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? माया बोलती आई एम फाइन। तो बोलते हैं गुड, तुम्हारा फीवर? तो माया बोलती फीवर नहीं, मुझे कोई फीवर नहीं है। आलिया बोलती झूठ मत बोलो, तुम्हें फीवर है? तो माया चुप हो जाती है। माया आलिया को बोलती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे बोलो यहाँ से चला जाए। तो बोलते मैं आपसे चला जाऊँगा पर एक बार बस मेरी बात तो सुन ले आप। माया बोलती है कि मुझे तुमसे तुम्हारे परिवार में से किसी से भी कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो वो बोलता है मेरा परिवार आप भूल रही हैं, वो सिर्फ मेरा नहीं वो आपका भी परिवार है, आप मेरे ही परिवार की, हम एक ही परिवार से हैं। माया बोलती है मेरा उस परिवार से कोई ताल्लुक नहीं, दोबारा मेरा नाम उन लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना और दोबारा से मेरा घर कभी मत आना, आलिया से जाने का खुद ही बोल दो। और माया ऐसे बोल के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। माया बाहर तो बड़ी खड़ूस बन के और बड़ी आकड़ू बन के आ गई थी पर अंदर आके वो रोने लग जाती है। वो खुद को शीशे में देखती है और उसे खुद को मारने का मन कर रहा होता है। वो खुद को कह रही होती है कि इसमें उस बच्चे का क्या कसूर, वो मासूम है, मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हूँ। और तभी बाहर से आलिया नोक करती है कि अमाया अमाया जान लोग क्यों क्या है, हाँ दरवाज़ा खोलो प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। तो माया बोलती आई एम फाइन, मैं बस फ्रेश होने के लिए आई हूँ, आ रही हूँ बाहर। तो आलिया उसको बोलती है कि इससे पहले कि माया वापस आए आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो बोलते हैं पर आलिया बोलती है कि देखो मैंने पता नहीं क्यों अंदर आने दिया आपको, पर प्लीज़ मैं माया को और परेशान नहीं देख सकती, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो वो बोलते हैं ठीक है, आपके पास मेरा नंबर तो है ना, प्लीज़ मुझे बताती रहना कि वो ठीक है कि नहीं। आलिया बोलती ठीक है, मैं पक्का मैसेज करूँगी, अभी जाओ यहाँ से। और वो जाना तो नहीं चाहता था वो लड़का, पर उसे जाना ही पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो लड़का वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके जाने के बाद अमाया बाहर निकलती है, वो देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़का नहीं है। अमाया की नज़रें सिर्फ उसे ही ढूंढ रही थी, वो उसे देखना चाहती थी, अपने भाई के लड़के को गले लगाना चाहती थी, पर वो ऑलरेडी इतना खड़ूस बन चुकी थी कि अब वो किसी के सामने मतलब दिखा नहीं सकती थी कि वो नरम दिल है या कुछ भी, उसे बस खड़ूस ही बने रहना था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है और आके लेट जाती है। आलिया उसे मेडिसिन देती है और अमाया बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और अमाया अभी भी बाहर दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। तो आलिया बोलती है वो जा चुका है। अमाया बोलती मैं उसके बारे में नहीं पूछा तुमसे। आलिया बोलती पर आपकी आंखों ने तो मुझसे पूछा है ना, आपकी आंखें तो कब से उसे ही ढूंढ रही हैं। आलिया बोलती ऐसा कुछ नहीं है। अमाया बोलती वैसे उसकी आंखें कितनी क्यूट है ना, बिल्कुल भी नहीं बदली,
वैसे तो वो पूरा का पूरा बदल गया, कितना टॉल हो गया है ना। तो माया बोलती है, उसके बारे में मुझसे बात क्यों कर रही हूँ? आलिया बोलती, तो किससे करूँ, आखिरकार वो आपका। तो माया बोलती, वो मेरा कुछ नहीं है, अगली बार बोलने से पहले सोच लेना। और माया ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। आलिया बोलती, ठीक है, वैसे उसने मुझे बोला था कि मैं मैसेज करके उसे बता दूं कि आप ठीक हो, वरना वो परेशान होता रहेगा। पर अब जब आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्यों सोचूं कि वो परेशान हो रहा है कि नहीं? मैं उसे फिर कोई मैसेज ही नहीं करती हूँ। तो ऐसे बोल के उसी की चैट खोल के मोबाइल उधर छोड़ के आलिया वॉशरूम के बहाने वहाँ से चली जाती है। आदि और सब वहाँ से जा चुके थे। अब माया जो है वो मोबाइल की तरफ देखती है, और जैसे ही मोबाइल की तरफ देखती है तो उसका मन करता है कि उसे एक मैसेज कर दे। और वो बोलता है कि तुम्हारी माया एकदम ठीक है। और जैसे वो लड़का मैसेज पढ़ता है, वो खुश हो जाता है और रिप्लाई में लिखता है कि क्या मैं उन्हें एक बार देख सकता हूँ प्लीज़, बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ एक बार वीडियो कॉल पे उनका चेहरा ही दिखा दो। तो माया अब नो का मैसेज करती है और सारे मैसेजेस डिलीट करके मोबाइल रख देती है। आलिया जो है वो वॉशरूम से सब देख रही थी, उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल होती है। वो वापस आती है और माया के पास बैठी रहती है और उससे बातें करने लगती है। माया भी उससे नॉर्मल बातें कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आलिया सोचती है, जब माया मेरे सामने नॉर्मल बन रही है तो मैं अभी क्यों ना नॉर्मली प्रिटेंड करूँ, उल्टा अच्छा है ना। माया वो सब सोचेगी नहीं तो उसकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी, मुझे माया का माइंड डाइवर्ट करना ही होगा। और आलिया ऐसे सोचते सोचते माया का हाथ थामती है और कहती है, जान ये देखो ना, आपके नेल्स कितने बड़े हो गए, ये तो चीटिंग है ना, मेरे नेल्स इतने छोटे हैं, आपके बड़े हो, चलो मैं आपके नेल्स काटती हूँ। माया बोलती, देखो मेरा गला काट देना, पर नेल्स बिल्कुल भी नहीं। आलिया बोलती, अरे ये क्या बात है, प्लीज़ काटने दो ना। तो माया अपना हाथ ले लेती है। आलिया बोलती, अच्छा दिखाओ ज़रा मुझे, नहीं काटूंगी, ऐसे ही दिखा दो। तो आलिया माया के नेल्स लेती है, उसके नेल्स को साथ यूँ खेलने लग जाती है। फिर आलिया अमाया का हाथ थामती है, अपने लिप्स के पास लेके जाती है। अमाया स्माइल करती है, उसे लगता है कि आलिया किस करने वाली है, पर आलिया अपने जो है वो टीथ के साथ ही अमाया के एक नेल काट देती है जो बहुत बड़ा था। अमाया चिल्लाती है, ये क्या किया, मेरा सबसे बड़ा नेल काट दिया। आलिया बोलती, आप आया मजा, अच्छे से नेल काटने देती ना कटर से, पर नहीं, अब ठीक है, अब नहीं कटवाऊंगी ना, मैं ऐसे दांत से रोज आपका एक नेल काट दूंगी और अनशेप हो जाएगी उनकी, फिर ना चिल्लाना शेप में भी है वो। तो माया बोलती, ठीक है ठीक है ठीक है, कटर से काट लो पर शेप में, उन ज़्यादा मत काटना। आलिया बोलती, हाँ नहीं काटूंगी। तो आलिया कटर लेके आती है, वो अमाया के नेल्स काटते, और उसके बाद अमाया अपने नेल्स को देखती है, रोने वाला चेहरा बना लेती है। तो आलिया अमाया का हाथ थामती है और अपने लिप्स के क्रीम लेके जा रही है। तो आलिया एकदम हाथ पीछे कर लेती है, सॉरी अमाया, और कहती, नहीं 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 पहले बहुत काट चुकी है और नहीं। तो आलिया बोलती, अरे काट नहीं रही थी मैं, तो किस कर रही थी। माया बोलती, पक्का किस करूँगी ना? आलिया बोलती, हाँ पापा पक्का किस करूँगी। तो आलिया माया के हाथ पे किस करती है, माया प्यार से स्माइल देती है, और ये दोनों एक दूसरे को देख के क्यूट क्यूट स्माइल पास करने लग जाते हैं। और देखते ही देखते हमारे आलिया के करीब आती है, उसके फ्रंट पे किस करती है और कहते हैं कि थैंक यू, हो गया मेरा माइंड डाइवर्ट। तो आलिया बोलती, अरे किसने बोला कि मैं आपका माइंड डाइवर्ट करी थी? हाँ कुछ भी, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो माया हंसते हुए आलिया के हाथ पे किस करती है और कहती, थैंक यू सो मच। तो माया बोलती है कि अच्छा सुनो, आलिया बोलती, बोलो। माया बोलती, कहीं बाहर चले प्लीज़। आलिया बोलती, आप चाहते हो कि वो आपको फॉलो करे? माया बोलती, नहीं मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा बाहर जाऊँ ताकि मुझे अच्छा फील हो। आलिया बोलती, ठीक है। तो आलिया माया को अच्छे से जैकेट वगैरह पहनाती है क्योंकि माया की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। फिर उसका हाथ थामती है और कहती है कि चक्कर तो नहीं आ रहे? तो माया बोलती, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आलिया बोलती, झूठी, चलो। तो आलिया पूरा टाइम माया का हाथ थामती है और उसे मतलब घर से बाहर लेके आती है। लोग घर के बाहर से गली में थोड़ा टहल रहे थे कि तभी सामने से एक टैक्सी आती हुई दिखती है और आलिया हाथ से रोकती है। माया बोलती, टैक्सी क्यों? तो आलिया बोलती, आप कुछ ज़्यादा चलना नहीं, आपकी तबीयत ख़राब है ना, तो टैक्सी में चुपचाप बैठ जाते हैं। लोग टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी में माया ने आलिया के शोल्डर पे यूँ सर रखा हुआ था और आलिया माया के बालों के साथ वो खेल रही थी। माया बोलती है, अब क्या मेरे बाल भी काटने का सोच रहे हो क्या? आलिया बोलती, नहीं, और अगर आपने बाल कटवाए ना तो मैं आपको मार डालूंगी, समझी? तो माया मुस्कुराती, क्योंकि चलो कोई तो मेरी चीज़ आपको पसंद है। आलिया बोलती, वैसे तो मुझे आपकी हर एक चीज़ ही पसंद है। तो माया आलिया को देखते हैं, आलिया माया को देखती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और आलिया वो आगे होकर माया के लिप्स पे किस करती है और ये दोनों माथे के साथ माथा मिलाते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं। तभी माया के नंबर पे कॉल आती है और ये किसी और की नहीं, उसके डैड की होती है। उसके डैड को पता चल चुका होता है कि उसके मामा की फैमिली सब मुंबई में आ गई है और वो
अमाया से मिलने के लिए ट्राई ज़रूर कर लेंगे, इसलिए वो कॉल करते हैं और अमाया अपने पापा से बात करती है। उसके पापा जो है बातों ही बातों में उससे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे मामा और उनकी फैमिली में से किसी ने तुमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तो नहीं की। वो इनडायरेक्टली पूछ रहे थे, पर अमाया सब चीज़ें अच्छे से समझ रही थी और वो कहती है कि आपको हैदराबाद में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वाह क्या बात है डैड। तो उसके डैड बोलते हैं कि मैंने रिटायर ज़रूर हुआ हूँ पर आज भी मेरे बहुत लिंक्स हैं। तो बोलती है ट्राई तो किया था पर मैं अब उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो माया के डैड कहते हैं कि बेटा पर वो तुम्हारा है। तो हम बोलती पापा वो मेरे कुछ नहीं लगते, मेरा रिश्ता सिर्फ आपसे है और आलिया से, और आलिया की फैमिली मेरी फैमिली है, मेरी बस इतनी सी फैमिली है, इसके अलावा मेरा अपना कोई नहीं है। और ऐसे बोल के माया कॉल कट कर देती है। और आलिया बोलती है बेबी पर पापा सही कह रहे थे एक बार बस। तो माया बोलती प्लीज़ हम बाहर मेरा माइंड डाइवर्ट करने के आए के लिए आए, उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए नहीं। तालिया बोलती ठीक है। और तभी अमाया जो है वो आलिया के साथ उस जगह पे जाती है जहाँ अमाया बहुत ज़्यादा अपसेट और बहुत ज़्यादा खुश होता है, वहाँ जाके बैठती थी। तो लोग उधर जाते और बेंच पे बैठते हैं। आलिया ने यू अमाया का हाथ थामा हुआ था और अमाया ने आलिया के शोल्डर पे अभी भी सर रखा हुआ था। अमाया को बहुत ही लो लो फील हो रहा था क्योंकि उसे अभी भी फीवर था। आलिया बोलती अगर जाना अगर तबीयत ख़राब है तो घर चले। अमाया बोलती नहीं मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। तो अमाया बोलती है कि पता है जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी तो मैं यहाँ आती थी और जब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होती थी तब भी मैं यहाँ आती थी, ये मेरी फेवरेट जगह है। और जब मुझे पता चला था कि हम हमेशा के लिए हैदराबाद जा रहे हैं मैं बहुत अपसेट थी तो मैं यहाँ पे आई थी। आलिया बोलती पर हैदराबाद जाने के बाद आपको एक बार भी पछतावा हुआ कि आप अपना शहर छोड़ के यहाँ क्यों आई? अमाया बोलती नहीं क्योंकि मुझे वहाँ पर मेरा सुकून मिल गया जिस सुकून के लिए मैं इतने अरसों से तरसी थी। तो आलिया मुस्कुराने लगती है और वह कहती है तो इसका मतलब क्या आपका सुकून मैं हूँ? अमाया बोलती है कि अभी भी पूछने की ज़रूरत है क्या पगली? और उसके बाद ये दोनों ऐसे स्माइल करने लगती है। अमाया बहुत खुश थी, वो सारी पुरानी चीज़ों को भुलाना चाहती थी, वो उन सब चीज़ों से दूर जाना चाहती थी जो उसे हर्ट करे। अमाया आलिया के साथ बस खुश रहना चाहती थी और वो यही सोच के तो वापस मुंबई आई थी, पर यहाँ आने के बाद उसे उल्टा ही हो रहा था। कह रही हाँ अमाया बहुत पॉजिटिव रहती है, वो आलिया के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करती है। और अमाया बोलती है कि चलो जान मैं आपको ना हर उस जगह लेके जाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पास में एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ मैं बहुत जाती थी, चलो आज उधर चलते हैं। तो ये लोग उस कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, बहुत साल हो चुके थे तो वो कॉफ़ी शॉप बंद हो गया था। ये देख के अमाया बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती क्योंकि उसे वहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद थी। आया बोलती पर आप तो कॉफ़ी मटेरियल हो ही नहीं। तो फिर मैं बोलती जानती हूँ पर यहाँ की कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती थी, बाकी कहीं की कॉफ़ी मुझे इतनी पसंद नहीं, पर ये कब बंद हुआ मुझे पता क्यों नहीं चला। आलिया बोलती क्योंकि जान आप यहाँ पे रहती नहीं थी। कोई बात नहीं ना, हमारा बोलती ठीक है चलो फिर किसी और जगह चले, वैसे वो भी बहुत चेंज ही हो गई होगी पहले से। तो माया बोलती है कि चलो चलते हैं। आलिया बोलती हर एक चीज़ चेंज हो सकती है मेरी जान, पर आप तो नहीं हो सकती ना, आप तो वही हो और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो मुझे और क्या ही देखना है, कुछ भी नहीं, बस आपको जानना है था आप अपने बारे में बताओ। तो अमाया उसे अपने बारे में हर एक चीज़ बताती है, वो ज़्यादा कहाँ घूमती थी, किन लोगों में उठना बैठना था, सब कुछ बताती है। तो ये जान के आलिया बहुत ही खुश थी। ये लोग साथ में बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे पर इन दोनों को पता नहीं था कि स्टिल इन्हें कोई फॉलो कर रहा था, ये कोई और नहीं बल्कि अमाया का वही मामू का लड़का ही फॉलो कर रहा था। और अमाया जब यूँ टर्न होती है तो वो देख लेती है कि वहाँ पे कोई है और वो समझ जाती है कि वही लड़के हैं। अमाया उससे बात करने के लिए जा रही होती है, आलिया उसे रोकती है क्योंकि अमाया इस टाइम गुस्से में थी और वो कुछ भी बोल सकती थी, इसलिए आलिया उसे रोकती है। पर अमाया बोलती है कि मुझे एक बार उससे बात करनी है। अमाया उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मना किया है ना मुझे फॉलो मत करो, तो मुझे क्यों फॉलो करते हो? तो वो बोलता है कि ठीक है चला जाऊँगा, क्या आपको मेरा नाम याद है? अमाया बोलती नहीं मुझे तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं याद। तो बोलता सच में नहीं याद? अमाया बोलती नहीं मुझे तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं याद था, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना ना। तो बोलता इतने साल जो हो गए और मैं काफ़ी बदल भी गया हूँ। तो अमाया बोलती ज़्यादा साल तो नहीं हुए। पर तो बोलता कहाँ ज़्यादा साल नहीं हुए, हाँ आपने मुझे लास्ट टाइम कब देखा था, क्या आपको कुछ याद है? तो अमाया चुप हो जाती है क्योंकि उसे सच में मतलब जब याद करती है तो उसे प्रॉपर चेहरा भी नहीं याद आ रहा था जब उसने लास्ट टाइम इस बच्चे को देखा था जो इतना बड़ा हो चुका था। खैर अमाया उसे बोलती है कि मुझसे दूर रहो और मेरे परिवार से भी दूर रहो। तो बोलते हैं क्या मैं आपका परिवार नहीं? तो माया बोलती नहीं तुम्हारा परिवार और है मेरा परिवार और है। और अमाया से बोल के आलिया का हाथ थामती है और कहती है ये है मेरा परिवार। और अमाया आलिया के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी बोलता है कि ठीक है आपको मेरा नाम भी नहीं याद, नहीं याद ना तो ठीक है मैं आपके पीछे कभी नहीं आऊँगा। और ऐसे बोल के वो लड़का जो है वो रोड क्रॉस करके अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है।
तो और पीछे से ट्रक का आ रहा होता है। वो इतना लड़का मतलब अपनी मस्ती में गुम था ना, इतना वो सैड था ना कि वो आवाज़ ही नहीं सुनता कि पीछे से कुछ आ रहा है। और माया उस ट्रक को देख लेती है, माया ज़ोर से चिल्लाती है, हेलो हट जाओ, ट्रक के तुम्हारे पीछे। पर वो तो पागलों की तरह जा रहा था, बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तभी माया चिल्लाती है, सोनू सोनू हटो वहाँ से। और जब वो अपने मतलब नाम सुनता है ना माया के मुंह से, तो वो एकदम पीछे होता है और माया को देखते रह जाता है। वो ट्रक की तरफ नहीं देखता। माया भाग के आती है, उसे हटाती है, कहती तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हें इतना बड़ा ट्रक आते में नहीं दिखाई देता। हाँ तो वो बोलता है, आपने तो बोला था कि आपको मेरा नाम तक याद नहीं। माया बोलती, हाँ मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद। तो बोलते, अच्छा तो फिर आप सोनू सोनू करके क्यों चिल्ला रही थी, शायद आप भूल गई, सोनू नाम तो मेरा ही है ना, या यहाँ पे किसी और का नाम भी सोनू है। तो माया एकदम चुप हो जाती है। आलिया भाग के आती है, कहती है माया तुम ठीक तो हो ना, और सोनू तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कोई लगी नहीं। तो ये देख के सोनू हंसता हुआ कहता है, मतलब आपको भी मेरा नाम याद है। आलिया बोलती, नहीं मुझे तुम्हारा नाम क्यों याद होगा, वो तो माया इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मैंने सुन लिया। तो सोनू बोलता है, चलो आपने बता दिया कि माया को तो मेरा नाम याद है, इससे तो क्लियर हो जाता है कि आपने झूठ बोला था, आज भी आपको मैं याद हूँ। माया बोलती, ऐसा नहीं है। ओके हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारा नाम याद रह गया था, सो वॉट, हमें रैंडम लोगों को भी नाम याद रह जाता है, तो इसमें क्या खास बात होगी। सोनू बोलता है, पर मैं कोई रैंडम इंसान नहीं हूँ, कि आप भी ये जानती हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करती थी। माया बोलती, करती थी, पर अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तो बोलता, अगर मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ और कोई मायने नहीं रखता, तो आपने मुझे बचाया क्यों, मरने देती ना। हमारे बच्चे, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसे बचाती, तो प्लीज़ खुद को स्पेशल फील मत करवाओ, तुम कोई खास नहीं हो मेरे लिए, आ जाओ चलो यहाँ से। और हमारा का मूड फिर से शिट हो जाता है, वो टैक्सी लेती है और ये लोग घर आ जाते हैं। हमारा गुस्से से अपना बैग पटकती है और कहती है कि अंधा कहीं का, अगर कुछ हो जाता उसे तो कौन जवाब देता उसके घर वालों को। आलिया बोलती, हम दोनों तो जवाब नहीं देते, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं था उस टाइम, फिर भी आपने उसे बचाया। अमाया बोलती, तो वो मर जाता। आलिया बोलती, तो आपने तो बोला था आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए ना मरे, वरे फोन। हाँ अमाया बोलती, वो बच्चा है। आलिया बोलती, वो बच्चा नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। तो अमाया बोलती, क्या चाहती हो आलिया, तुम क्या सुनना चाहती हो मेरे मुँह से। आलिया बोलती, वही जो आप छुपा रही हो, आपको उसकी परवाह है, आप आज भी उसे अपना मानती हो, तो बताती क्यों नहीं हो। तो माया रोते हुए आलिया को हग कर लेती है। आलिया उसे समझाती है कि रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा, आपकी तबीयत पहले ही खराब है, क्यों उसके सामने ऐसे दिखा रही हो जैसे आपको उसकी परवाह नहीं है, साफ साफ दिखता है। तो माया बोलती है कि क्या बोलूँ मैं उसे, हाँ ठीक है मुझे उसकी परवाह है, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, पर उसके पापा ने जो मेरे साथ किया उसका क्या। अरे आलिया तुम्हें तो सब पता है, तो फिर तुम क्यों। तो बोलती है, पर उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है, अरे वो बहुत छोटा था, शायद 5-6 साल का था ना। तो आलिया हंसते हुए कहती, 5-6 साल का नहीं, पूरे 12 साल और 8 महीनों का था। हमारा जैसे ऐसे बोलती, आलिया हंसते हुए कहती, ओ वाओ आपको उसकी इतनी डिटेल याद है, मैं तो उसे 5-6 साल का बच्चा बनाई फिर रही थी। तो बोलती, नहीं वो 12 साल और 8 महीनों का ही था, मुझे अच्छे से याद है। तो आलिया हंसते हुए कहती है कि तो फिर उसे इग्नोर करना बंद करो, आपने कहा ना वो बच्चा है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, जो किया उसके पापा ने किया, तो इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आप एक बार उससे अच्छे से बात तो कर लो। हमारे मोती, पर नहीं मुझे वीक नहीं पड़ना, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसके पापा को लगेगा शायद मैंने उसे माफ कर दिया और वो मेरी जिंदगी में दोबारा इंटरफेयर करना चाहेंगे, और मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं पहले ही एक बार बेवकूफ बन चुकी हूँ आलिया, दोबारा नहीं बन सकती। तो ये लोग ऐसे बात ही कर रहे थे कि तभी उसी नंबर से आलिया को कॉल आ जाता है, और वो मतलब लड़का यानी सोनू कॉल कर रहा था अमाया की तबीयत जाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि अमाया थोड़े गुस्से में थी। और आलिया जैसे वो कॉल देखती है, वो सीधा अमाया को मोबाइल पकड़ाती है और कहती है, ये लो बात करो अपने सोनू से। तो माया बोलती, मुझे उससे बात नहीं करनी है। आलिया बोलती, तुम्हें तो बात करनी ही पड़ेगी, वरना मैं कॉल उठा के उसे खुद ही सब बोल दूंगी। माया बोलती, जान तुम ये नहीं करोगी। आलिया बोलती, तुम जानती हो मैं ये कर सकती हूँ, तो खुद ही सोनू से बात कर लो। आलिया ऐसे बोल के मोबाइल माया के पास रख के वहाँ से चली जाती है। माया मोबाइल को देखती है और एक पल के लिए सोचती है कि कॉल उठा ले, और फिर दूसरे पल सोचती है कि नहीं, अगर मैंने कॉल उठाया तो मैं वीक पड़ जाऊंगी और मैं वीक नहीं पड़ना चाहती। अमाया कॉल मोबाइल उठाती है और ऐसे डिक्लाइन कर रही होती है, और तभी वो एक्सेप्ट कर लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि डिक्लाइन करते करते उसका मोबाइल एक्सेप्ट वाले बटन पे कैसे पहुंच गया।
क्या कॉल अटेंड हो जाती है? और सोनू बोल रहा था, हेलो आलिया, आप लोग घर पहुंच गए? माया ठीक तो है ना? उनका फीवर कम हुआ? आई नो मैंने फिर से उन्हें एक बार गुस्सा दिला दिया, पर प्लीज़ उन्हें शांत कर देना, गुस्सा करेंगी तो बुखार हो जाएगा उन्हें और ज़्यादा। तो वो ऐसे ही बोली जा रहा था और माया के आंसू आ रहे थे। माया मुंह पे हाथ रखती है कि वो रोए ना। और जब काफ़ी देर सोनू बोलता रहता, आगे से कोई आवाज़ नहीं आता, तो सोनू समझ जाती है कि आलिया नहीं बल्कि अमाया बोल रही है। तो सोनू बोलता है, अमाया ये आप हो ना? तो माया मोबाइल रखने लगती है। सोनू बोलता है, देखो प्लीज़ कॉल मत कट करना, आई नो पापा पापा को आपके साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, आई नो मेरे पापा की गलती है, पर पापा की गलती की सज़ा मुझे तो मत दो ना। ये किस किताब में लिखा है कि बाप की गलती की सज़ा बेटे को भुगतनी पड़ेगी? मेरी क्या गलती है? आप तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, हाँ मम्मा से भी ज़्यादा आप मेरा ख्याल रखती थी। प्लीज़ प्लीज़ माया मेरे से दूर मत हो। अरे मैं वही सोनू हूँ जो हमेशा आपके आगे पीछे फिरता रहता था। प्लीज प्लीज माया एक बार मुझसे बात करो, प्लीज मैं नहीं रह सकता। बहुत साल मैंने आपको ढूंढने की, आपसे बात करने की कोशिश की है, फाइनली आप मुझे मिल चुकी हो, तो मुझे इग्नोर मत करो, बस एक बार मुझसे मिल लो प्लीज। आई नीड यू। मम्मा पापा डिवोर्स ले चुके हैं, मैं अकेला पड़ चुका हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं मम्मा को भी खो चुका हूँ और मम्मा पापा कुत्ते बिल्ली की तरह मेरी कस्टडी के लिए हर टाइम लड़ते रहते थे और मैं कभी डिसाइड नहीं कर पाया मुझे किसके साथ रहना है। काश मुझसे कोई पूछता तो मैं बताता कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, ना अपनी मम्मी के साथ ना पापा के साथ। पर देखो ना, इन सब चीज़ों में मैं खुद इतना बड़ा हो गया कि आज अकेले रहना पड़ रहा है। और जैसे ही वो ऐसे बोलते तो माया बोलती, व्हाट तुम अकेले रहते हो? और वो बोलता, हाँ एक छोटा सा कमरा मैंने किराए पे ले रखा है और मैं वहाँ रहता हूँ। और माया एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता, बोलती व्हाट तुम्हारे मम्मा पापा क्या सच में? वो बोलते हैं, हाँ सच में, ना मम्मा के पास टाइम है ना पापा के लिए। प्लीज़ माया एक बार मुझसे मिल लो। तो माया बोलती ठीक है मैं तुमसे मिलूंगी पर आज नहीं, और माया कॉल कट कर देती है। तभी आलिया आती है और माया बहुत ज़्यादा रो रही थी। आलिया उसे पूछती है, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? और माया उसे सब कुछ बता देती है। आलिया बोलती है, अमाया अभी भी आप उससे मिलने के लिए मना कर रही हो? अमाया बोलती अभी मैं उसके सामने भी नहीं जा सकती, अगर उसके सामने गई तो रोती रहूँगी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आलिया बोलती ठीक है टेक योर टाइम, और आलिया अमाया को हग कर लेती है। अमाया उन सब चीज़ों को सोचने लगती है कि उसके मामा जी ने उसके साथ क्या किया था। अमाया अपने मामा जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसे लगता था कि जिस तरह उसके मामा जी उसके मामा का ख्याल रखते थे उसी तरह उसका ख्याल रखेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। पर सबसे ज़्यादा गलत तब हुआ था जब उसके मामा जी ने कुछ ऐसे गलती कर दी थी जिससे अमाया को उनसे नफरत हो गई थी, और अमाया ने हमेशा हमेशा के लिए अपने मामा जी के साथ साथ नाना नानी से भी रिश्ता ख़त्म कर दिया था। और अब जब अमाया को पता चल जाता है कि उसके मामा मामी अब अलग हैं हो चुके हैं और सोनू को उसकी नीड है, तो माया उससे मिलना तो चाहती थी, पर वो अभी इस टाइम इतनी वीक थी कि उसके सामने जाने से भी वो कटरा रही थी। अगर उसके सामने गई तो वो रोने लग जाती, इसलिए वो खुद को थोड़ा टाइम देना चाहती थी चीज़ों को समझने के लिए। अब माया अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि आपने बोला था ना कि आप रिटायर हो चुके हो, पर अभी भी आपके लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे आपके लिंक्स की ज़रूरत है, क्या मुझे कुछ टाइम के लिए आपके लिंक्स मिल सकते हैं? उसके पापा कहते हैं, पर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? अमाया बोलती है, प्लीज़ पापा कोई सवाल नहीं, प्लीज़ मेरे लिए आपको मेरी कसम है। तो उसके पापा बोलते ठीक है, वो अपने कुछ फ्रेंड्स के नंबर सेंड कर देते हैं और अमाया जो है वो उनको कॉल करती है और अपने मामा मामी की आल टू ऑल डिटेल्स निकालती है। इतने सालों से उसके मामा जी क्या कर रहे थे, वो किस बिजनेस में थे और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, और उन्होंने उसके मामी को डिवोर्स क्यों दिया, क्या कोई और लड़की का चक्कर, तो ये सब डिटेल्स जाने का बोल देती है। और वो बोलते हैं कि ठीक है आप हमारे सर की बेटी हो, आपके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ, और ऐसे बोल के कॉल कट कर देता है। अमाया डिसाइड करती है कि वो अब सोनू से तब मिलेगी जब वो सारी जानकारी उसके पास होगी, जब सारी जानकारी इकट्ठी कर लेगी तभी वो सोनू से मिल पाएगी। और यहाँ आलिया उसे बोलते हैं कि इस टाइम ये सबसे ज़्यादा आपको सोनू का साथ देना चाहिए, इस टाइम उसको आपकी नीड है, इन सब चीज़ों की नहीं, और ये सब चीज़ें तो आपको सोनू भी बता सकता है ना। तो माया बोलती प्लीज़ आलिया इस टाइम मुझे किसी चीज़ के लिए भी फोर्स मत करो, प्लीज़ आई वांट टू बी अलोन प्लीज़। तो आलिया उसको थोड़ी सी स्पेस दे देती है क्योंकि वो जानती थी माया के माइंड में इस टाइम बहुत कुछ चल रहा है। और वो कहते हैं ना
कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करो तो आप उसे खुद ही कभी कभी स्पेस दे देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इसके स्पेस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके पार्टनर की को। उस टाइम माया को सबसे ज़्यादा स्पेस की ही ज़रूरत थी, इसलिए आलिया उसे थोड़ा स्पेस देती है और बाहर जाके बैठ जाती है। आलिया सोचने लग जाती है और वो कहती है कि यहाँ हम इतने सालों से बच्चों के लिए तरस रहे हैं, बच्चों के लिए रो रहे हैं, बच्चा होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ जिनके पास बच्चे उन्हें बच्चों की कदर नहीं। सीरियसली बच्चा प्यार को तरस गया और वो 12 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया, ये क्या सीन है। तो आलिया को भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। आलिया अपना मोबाइल उठाती है और वो सोनू को टेक्स्ट करती है कि इस टाइम तुम कहाँ हो। सोनू अपनी लोकेशन सेंड करता है, वो उसी जगह का लोकेशन देता है जहाँ वो उस टाइम रह रहा था, तो वो उसी जगह चली जाती है। वो एक छोटा सा रूम था और हर जगह मतलब चीज़ें बिखरी हुई थी। सोनू जल्दी से रूम सेट करता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गए। तो आलिया खुद उसके हेल्प करती है रूम को सेट करने में, रूम बहुत बिखरा हुआ था, वो सारी चीज़ें भी घेरती है और उसका रूम अच्छे से सेट कर देती है और बोलती है तुम यहाँ कैसे रह लेते हो। बोलते शायद इसलिए मैं अपने रूम में बहुत ही कम रहता हूँ और बाहर घूमता रहता हूँ, जब से मैंने माया को देखा है तब से तो मैं सिर्फ माया और आपके पीछे ही रहता हूँ। आलिया बोलती तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो हमारे घर रहो। तो वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं माया गुस्सा होगी और वो फिर से स्ट्रेस लेंगी और उन्हें फीवर हो जाएगा और ये मैं होने नहीं दे सकता, मैं उन्हें तकलीफ देने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। तो आलिया उसे समझाती है और बोलती है कि नहीं मैं हूँ ना, सब ठीक होगा, तुम चलो मेरे साथ। और वो उसका सामान खुद ही पैक करती है और उसका हाथ पकड़ के उसे जो है वो घर लेके आ जाती है। यहाँ माया रूम से उसी टाइम बाहर निकलती है और वो देखती है कि आलिया ने सोनू का हाथ पकड़ा हुआ है और सोनू के हाथ में सामान है, शायद उसके बैग वाला। और ये देख के माया कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप रूम में चली जाती है और फिर आवाज़ लगाती है आलिया। आलिया सोनू को उसका रूम दिखाती है और खुद वो माया के पास चली जाती है। माया उसे बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो भी अपने सामान के साथ। तो आलिया जब वहाँ पे गई थी, जब वो छोटा सा रूम बहुत बिखरा हुआ था, तो आलिया ने कुछ पिक्स निकाली थी, वो पिक्स दिखाती है और कहती है कि अगर आप मेरी जगह पे होती तो क्या सोनू को वहाँ रहने देती। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आलिया उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि मेरे होते हुए आपको रोने की जरूरत नहीं है, समझी। तो माया आलिया को हक करती है, कहती है थैंक यू सो मच, आपकी जगह मैं होती तो मैं यही करती, मुझसे ज़्यादा समझदार तो आप हो आलिया। माया बोलती नहीं मैं नहीं हूँ, आप ही हो, ओके अब ये रोना मन करो। और माया आलिया को हक कर लेती है, दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे और आलिया माया के हाथ पे किस कर दिया और कहती है कि आपके मामू ने जो आपके साथ किया था मुझे लगता है कि उनके कर्मों की सजा उन्हें इसी जन्म में मिल चुकी है, वैसे भी उन्होंने जो किया हमें उसका बदला सोनू से तो नहीं लेना चाहिए ना। तो बोलती हूँ तुम सही कह रही हो, अब सोनू इधर ही रहेगा, पर मैं अभी सोनू के सामने नहीं जा सकती। आलिया बोलती पर क्यों। माया बोलती प्लीज़। आलिया बोलती आपको किस चीज़ का गिल्ट है, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर क्यों। माया बोलती गलती मेरी थी, जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा नीड थी मैं उसके साथ क्यों नहीं थी, उसके पेरेंट्स ने जो उसके साथ किया वो गलत था और जो मैंने किया क्या आलिया वो सही था, एटलीस्ट मुझे उस बच्चे का तो ख्याल रखना चाहिए था। आलिया माया को बोलती इसमें आपकी गलती नहीं है, ओके बस रिलैक्स हो जाओ और हर चीज़ के लिए पहले खुद को ब्लेम करना बंद करो। और वहाँ पे दूसरी तरफ माया के पापा माया को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्यों वो सब डिटेल्स निकलवा रही हो। मैं बोलती पापा मैंने आपको बोला था ना प्लीज़ ये सब मत पूछो मुझसे। उसके पापा बोलते ठीक है आलिया से बात करो। आलिया उनसे बात करते करते बाहर चली जाती है और माया के पापा आलिया से सब कुछ पूछते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें तुम्हारी माया की कसम है मुझे सब कुछ बताओ, मैं उसका बाप हूँ, एटलीस्ट मुझे हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो आलिया कुछ भी नहीं छुपाती है, वो एक एक चीज़ बता देती है, वो ये भी बता देती है कि सोनू को रहने के लिए इधर ही लेके आई है। और ये चीज़ से माया के पापा को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो उल्टा खुश होते हैं, कहते हैं अच्छी बात है तुम लोग सोनू की हेल्प कर रहे हो, पर माया का ख्याल रखना, मुझे पता है वो मेरी बेटी है, वो हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करेगी, वो अपनी माँ पे जो गई है। तो वो बोलती हाँ ये तो है, माया अभी भी हर एक चीज़ के लिए खुद को ही ब्लेम कर रही है, जबकि इसमें उसकी गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके मामा जी की गलती थी। तो उसके पापा बोलते ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं भी उधर ही आ रहा हूँ। आलिया बोलती पर आप यहाँ क्यों। तो बोलते हैं कि शायद मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आलिया बोलती आप यहाँ आओगे तो माया और ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेने लग जाएगी, टेंशन लेगी, मैं हूँ ना हम सब हैंडल कर लेंगे, और वैसे भी आप वहाँ पे कुछ काम करने के लिए रुके थे ना, तो आप कुछ काम कर लो जो भी कर रहे थे, जब फ्री हो फिर आ जाना। तो बोलते ठीक है अगर मेरी ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर देना। आलिया वापस जाती है और माया को उसका मोबाइल देती है और देखते कि माया बहुत ज़्यादा अपसेट बैठी है। तो आलिया उसको किस करती है और माया बोलती है कि क्या उसने खाना खाया। आलिया बोलती है नहीं मैंने आदि को बोल के खाना इधर ही मंगवा लिया, बस अभी
खाते हैं सब मिलके ना। माया बोलती नहीं मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे नहीं जाना। आलिया उसे समझाती है पर माया उसकी सुनती नहीं है। और माया उसके सामने से जाने से भी कतरा रही थी, जबकि इस सब चीज़ों में माया की तो कुछ गलती भी नहीं थी, पर फिर भी वो हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रही थी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कैनल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आना जाने से पहले प्यार से छोटी सी नमन रिक्वेस्ट यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। होते हैं टाटा बाय बाय।